बाजारों की गहमा गहमी, लोगों का रश, ये तो है ईद की तैयारियां। अफ्तारी के बाद खवातीन खूब तैयारी के साथ खरीदारी के लिए यूं बाजारों का रुख करती हैं जैसे कि चीज़ें तोहफे में मिल रही हों। ज्वेलरी बहुत महंगी है और उसके अलावा जो है वो कपड़ों का है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी करनी तो पड़ेगी, मजबूरी है। पहले बैंगल्स होती थी जो अब पहले 100 रुपीज़ की होती थी, अब वो 400-400 की मिल रही हैं। ईद की मुनासबत से कपड़ों, चूड़ियों, ज्वेलरी और सकाफ्ती कुसों का इंतखाब करती हुई खवातीन अपने ज़ौक की तस्कीन में ऐसे मगन हो जाती हैं कि बस हर शय से गाफिल सिर्फ शॉपिंग का लुत्फ़ उठाना चाहती हैं। मैं अपने लिए खुसास चूज़ करने आई हूँ क्योंकि मुझे खुसास बहुत पसंद है। हमेशा हम लोग चाहते हैं कि ईद पर सबसे बेस्ट रहे और सबसे अच्छे लगें। छोटी बच्चियां भी ईद की तैयारी में बड़ों से पीछे नहीं, अपने लिए जूते और दीदा जेब मलबूसात मुंतखब करने में ये फूल चेहरे भी पेश पेश हैं। आसमान से बातें करती हुई महंगाई के बावजूद खवातीन की बड़ी तादाद ईद की तैयारियों और शॉपिंग में महफ है। कैमरामैन अली रजा के साथ मरवान सर चौधरी, दुनिया न्यूज़, लाहौर।